I, Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor in Hyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of UPB. Today, I am going to deliver a lecture on chemical synapse. Chemical synapse ka matlab hota hai neural message ka chemically transfer hona ya chemically uska communicate hona. Synapse ka formation tab hota hai jab do neural membrane ek dusre se joint hoti hai. जब ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से जॉइंट होती है तो उनके बीच में एक स्पेस रह जाता है, उस स्पेस को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट की प्रेजेंस न्यूरल मैसेज के कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। न्यूरल मैसेज का कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली। इलेक्ट्रिकल जब मैसेज कम्युनिकेट होता है तो उसमें जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है उसकी जो विड्थ होगी वो बहुत कम होती है कंपैरेटिवली केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में जो न्यूरल मैसेज होगा उसमें कम्युनिकेशन के लिए जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की विड्थ या चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक जो मेम्ब्रेन जिससे कि मैसेज कम्युनिकेट होगा वो होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जहाँ पर वो रिसीव होगा उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों ही मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उन्हें पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स कहते हैं, जबकि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें ऑटो रिसेप्टर्स कहते हैं। केमिकल सिनेप्स में न्यूरल मैसेज के कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स का फॉर्मेशन प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्मेशन के लिए इसके अंदर ऑलरेडी न्यूरोट्रांसमीटर प्रीकर्सर्स प्रेजेंट होंगे और सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स इन प्रीकर्सर्स की प्रेजेंस में इनको न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे रिसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, जब न्यूरोट्रांसमीटर बन जाता है तो वो रिसाइकल के अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो स्टोर्ड रिसाइकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाकर के बाउंड हो जाएंगे। जब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये बाउंड हो जाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल के कारण धीरे धीरे इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना स्टार्ट करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसाइकल से रिलीज होकर के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर है वहाँ से उनसे बाइंड हो जाएंगे और इस तरीके से न्यूरल मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। एक्स्ट्रा जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक एक्स्ट्रा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से फ्री होकर के ऑटो रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। इनमें से कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के कारण टूट जाते हैं जिससे कि फर्दर आगे जो भी मैसेज होता है उसके कम्युनिकेशन में ये हेल्पफुल होते हैं, और कुछ आगे इसी न्यूरल जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल काइंडली विजिट अवर वेबसाइट www.youtube.com।